लुधियाना के डेयरी उत्पादकों द्वारा सराबा नगर पुलिस स्टेशन जाकर नकली दूध बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। डेयरी उत्पादकों का मानना है कि लुधियाना शहर में कुछ लोग बाहर से आकर नकली दूध बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए सुनिए आप भी इन डेयरी उत्पादकों का क्या कहना है। जी असि यही अपनी रिपोर्ट लेके अपने गुरप्रीत सिंह जी को आए हैं DSP साहब तो सराबा नगर कि असी कानून नूं अपने वालों बेनती करते हैं। साड़ी पुरजोर बेनती है गिल साहब नूं भी है CP साहब नूं साड़ी हैल्प की जाए। मैडम उपदेश कंग नूं जी कंग नूं भी है जिहड़े चीफ मैडिकल अफसर ने साड़ी हैल्प करके असी इन्हां नूं इत्थे काबू पाउणा है जिहड़ा चिट्टा दुद्ध है नकली दुद्ध है जिहड़ा सिंथेटिक दुद्ध। भाई जी ये बहुत दिनों तो असी इन्हां नूं रिक्वेस्ट कर रहे सीगे कि इत्थे दुद्ध ना लैके आओ प्लीज़ साड़ी हाथ जोड़ के बेनती है। असी ताजे दुद्ध काम करते हैं तो सानू कुछ नहीं बच रहा आ काम चो मतलब साड़ी सिर्फ साड़ी रोटी पानी चलता पर ये लोग हटते नहीं है। मतलब जो तुम ला लो थोड़े थोड़े पैसे ला के इन्वेस्टमेंट करके ये ढेर सारा दुध बना के लोगों की जिंदगी ने खिलवाड़ कर रहे रायकोट तो भी आते बनाते भी है जी। असी अज सारे हैबोवाल डेयरी एसोसीएशन वालों ACP साहब सराबा नगर थाने असं इकट्ठे हुए हैं। असी उन्होंने अज जी दुध की मिलावट हो रही है उस संबंध में असी सारे मीटिंग की है। इस हुण दे समय के सारे शहर के साडे नकली दुध बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हो गया जो क्योंकि नकली जिहड़ा मिलावटखोरी दुध है बहुत ही ज़्यादा सस्ता पैंदा इन्हां नूं तैयार करन दे विच। इस करके सारे लोग अपने निजी मुनाफिया करके लोगों की सेहत के नाल खिलवाड़ कर रहे हैं।